महाराष्ट्र को और सीधा हम दिखाते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और 10 तारीख को अब जो आज चुनाव परिणाम आया है, इस चुनाव परिणाम में देश भर में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो समर्थन है वो हम सबको ध्यान में आया है। अपने कुछ नहीं हटाई, 5 चुनाव हुए थे, 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब, जिसमें से 4 राज्यों में एकदम जिसको कहना चाहिए कंफर्टेबली बड़े सुविधाजनक तरीके से बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। केवल एक पंजाब ऐसा प्रांत है जिसमें आम आदमी की पार्टी की सरकार बन रही है। पहले से ही जैसे हमको पता है कि हरियाणा पंजाब में कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी नहीं रही, और चुनाव लड़ने के नाते भी अब से पहले मात्र 23 विधानसभा सीटों पर ही हम लोग चुनाव लड़ते थे। इस बार पहली बार इतने 75 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर कमल के निशान पर चुनाव लड़ी है, क्योंकि पहली बार जब भी कोई इस प्रकार का बड़ा चुनाव कोई एक स्टेट में कोई पार्टी लड़ती है तो ऐसा कभी भी हम सोचते नहीं कि पहली बार में ही हमारी जो सरकार बनेगी। हरियाणा में भी हमने देखा कि जब हमने अकेले चुनाव लड़ना शुरू किया था सन 2000 में, 2000 में भी अकेले लगभग 91 तो पीछे हो गया, यानी लगातार तो फिर 2000 के बाद, क्योंकि 1996 में हमारी मिलीजुली सरकार आई थी, 2000 के बाद लगातार हमने फिर अकेले चुनाव लड़ना शुरू किया, जिसका परिणाम 2014 में मिला हमको। तो स्वाभाविक है पंजाब में अभी और हमें संघर्ष करना पड़ेगा और हम आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में हम सफलतापूर्वक अपनी सरकार जो चला रहे हैं, आगे आगे इसका असर पंजाब में भी हमको देखने में ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन तब तक पंजाब के हमारे कार्यकर्ता भी और जो सपोर्ट हमसे हो पाएगी हम भी करेंगे ताकि पंजाब में हम अपनी गति आगे बढ़ा पाए। लेकिन 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं, पुनः बनी हैं, इसलिए मैं सब देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और 4 प्रदेशों की जनता को भी बहुत बहुत एक प्रकार से उनका आभार प्रकट करता हूं और उनको श्रेय जाता है इस बात का कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, विशेष तौर पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृहमंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और पूरी टीम, जिन्होंने बहुत मेहनत करके और प्रचार अभियान को सभी प्रदेशों में चलाया है, उनको भी एक प्रकार से सम्मान करते हुए और मैं इस बात का ज़रूर जनता को धन्यवाद करता हूँ कि हमारी नीतियों पर, विचारधारा पर उन्होंने और विश्वास किया है और हमको एक बहुमत दिलाया है। और देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर हम देश के अंदर पार्टियों के साथ मुकाबला करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आज भी दो ही राष्ट्रीय दल ऐसे हैं जो अधिकांश प्रांतों में और अपनी उपस्थिति चाहे राज्य के माध्यम से चाहे विपक्षी पार्टियों के माध्यम से निभा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का जो विचार है वो मैं समझता हूँ धीरे धीरे देश की जनता उसको छोड़ती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की जो काम करने की पद्धति रही है वो लोग नेताओं के ताकत को जोड़ करके, ये इसकी ताकत है, इसकी ताकत है, कम्बिनेशन ऑफ लीडर्स, ऐसी वो अपनी ताकत बनाकर शासन में चलते रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे अपनी विचारधारा के माध्यम से, अपनी उपलब्धियों के माध्यम से जनता के हित में काम करती है, विशेष तौर पर वो जनता जिसको मैं समझता हूँ सरकारी सहायता की आवश्यकता होती है। सरकार, भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है कि लोकहित की सरकार होना अति आवश्यक है। लोकहित में भी जो जो समाज का वो वर्ग जो वंचित है, जो पीड़ित है, जो गरीब है, खास करके अनुसूचित जाति, खास करके पिछड़ा वर्ग, खास करके वर्गों में अगर आगे विचार करें तो फिर युवा को रोज़गार चाहिए, शिक्षा समाज को चाहिए,
तो ऐसे सारे विषय, महिलाओं की भी बहुत से तरह की कठिनाइयाँ तकलीफें होती हैं उनको दूर करने के लिए, अब महिलाओं के लिए बहुत सी स्कीमें भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की, उज्ज्वला स्कीम है, और फिर उसमें घर घर पानी देने की स्कीम है, कहीं जनधन अकाउंट खोलने के बाद महिलाओं के खातों में सीधा पैसा देने की बात कही है हमने, महिलाओं का हमने हरियाणा में तो जैसे उद्यमता को भी बढ़ावा देने के लिए अपनी घोषणा अभी बजट में की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी एक बड़ा अभियान सारे देश में लिया गया, हरियाणा में विशेष तौर पर लिया गया। तो ऐसे वर्ग जिन वर्गों को सरकार की सहायता की आवश्यकता ज़्यादा होती है, ऐसे वर्गों का काम करने से एक मैसेज आता है कि जनता की भलाई के अगर कोई विचारधारा कोई पार्टी का काम करने का तरीका तो भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस ने हमेशा नारे लगाए हैं गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, लेकिन नारों के आगे बढ़कर के उन्होंने कोई उसके लिए पद्धति दी हो, कोई उसके लिए प्रत्यक्ष काम दिया हो, कोई प्रोग्राम दिया हो, ऐसा कभी नहीं किया है। केवल नारों से नहीं बनता है, प्रत्यक्ष जमीन पर काम जब करते हैं उसका लाभ यानी उसका जो जनता है उसका एक उसको रिकॉग्नाइज करती है। नतीजों के बाद आप कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हैं राजनीतिक? राघव चड्ढा ने बोला है कि नेचुरल रिप्लेसमेंट है आम आदमी पार्टी कांग्रेस की, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से दूसरे स्टेट में भी आई है आगे किसी जो बढ़ते कदम है आम आदमी पार्टी को? देखिए कोई पार्टी एक या दो प्रदेशों में आती है तो उसको कोई ऐसा नहीं कह सकते कि विकल्प बन करके कोई देशव्यापी काम कर लिया है, ऐसे तो पहले भी होती रही है, आखिर कम्युनिस्ट भी कभी दो तीन प्रांतों में लगातार आते रहे हैं। इस प्रकार के उदाहरण और भी मिल सकते हैं कि एक या दो प्रदेशों में आए हैं। अब इनके पास दो प्रदेश आए हैं इसका अर्थ है नहीं है कि कोई राष्ट्रीय विकल्प यानी इस रूप में कांग्रेस के विकल्प के रूप में खड़े हो गए हैं, उपस्थिति इस नाते से राज्य में है नहीं है तो भी कांग्रेस की उपस्थिति आम आदमी पार्टी से ज़्यादा अभी भी है। अब उनका आपसी संघर्ष है आपसी विचारधारा की लड़ाई में, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है उसको भी मैं बिल्कुल कतई ठीक नहीं मानता हूँ। वो देश हित में ये कभी भी नहीं है कि हम जनता को फ्री बीज दे करके मुफ्त मुफ्त बांट करके और उनको जनता को नाकारा बना दें, उनको उद्यम करने की प्रेरणा ना दें, उनको हाथ पर हाथ रख करके वो बैठे उनको खाली खिलाया जाए, ऐसा ये पद्धति ठीक नहीं है। बल्कि इस प्रकार के वर्ग को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो एक स्थायी व्यवस्था बनती है, लंबे समय तक समाज को सुखी बनाने के लिए एक कारगर पद्धति है। तो इसलिए जनता इस बात को निश्चित रूप से समझेगी। आखिर केवल पंजाब में ही वो आ पाए, बाकी प्रदेश में बाकी चार प्रदेशों में कहाँ गई? हरियाणा में भी उन्होंने पहले प्रयत्न करके देख लिया, हरियाणा में कहाँ आए? तो इसलिए जनता समझती है कि इस प्रकार से फ्री फ्री, और दिल्ली में तो चूंकि साधन संपन्न प्रदेश है, फिर इस चीज़ को स्वीकार करने के लिए बहुत से ऐसे वहाँ एरियाज हैं जो कि झोपड़ी एरिया बाकी सब एरिया वहाँ गैप बहुत है दिल्ली के अंदर, या तो बहुत निम्न लेवल के लोग दिल्ली में जो कि झोपड़ी है वो ज़्यादा रहते हैं या फिर हाई लेवल के बहुत लोग रहते हैं। हाई लेवल के लोगों का जो इनकम यानी उनके कारण से जो कंट्रीब्यूशन उनका है और जो इनकम दिल्ली में होती है टैक्सेशन ये वो सब, जबकि खर्च दिल्ली सरकार का बहुत कम है, तो वो सारा पैसा उनको फ्री बाट में काम आ गया। अब पंजाब में उनकी एक प्रकार से परीक्षा होगी, क्योंकि पंजाब की आर्थिक स्थिति कहीं भी परमिशन नहीं देगी कि आप कोई भी एक पैसा और मुफ्त में बांट देंगे किसी को। पहले ही पंजाब संकट में है। हम हरियाणा में अपने GSDP डेट रेशो को 25% से नीचे रखे हुए हैं, वहाँ आज भी 40% पहुँचे हुए हैं। आखिर पैसा कहीं से बांटना होता तो कहीं से लाना भी पड़ता है। आम आदमी पार्टी के सामने पंजाब में सबसे बड़ी चुनौती है यही मानते हैं उन्होंने मुफ्त में घोषणाएं की हैं देने की, तो ये बड़ी चुनौती है। चुनौती ये भी है, एक बड़ी चुनौती जो हमें ध्यान में आ रही है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, और जिस प्रकार की रीति नीति एक राष्ट्रीय दल की बॉर्डर स्टेट में पड़ोसी देशों के साथ डील करने की होती है, ये एक बहुत बड़ी समस्या मुझे भय लग रहा है कि कहीं ऐसी नाजार उसको टैकल ना कर पाएं। क्योंकि पिछले दिनों में विचार के नाते से कई बार उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं वो टिप्पणियां बहुत घातक टिप्पणियां की हैं, अलगाववादी ताकतों के साथ खड़े होने की जो उन्होंने अपनी मंशा दिखाई है ये भी अपने आप में खतरनाक पहलू है। पंजाब को सुरक्षित रखने में जो प्रयत्न एक राष्ट्रीय दल कर सकता है वो कितना करेंगे भविष्य की बात है। दिल्ली लगातार पानी मांगता रहता है, SYL का एक मुद्दा है, अब पंजाब में सरकार है, केजरीवाल जी कहते हैं कि पानी की आपूर्ति होनी चाहिए,
इसको लेकर अभी 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 ये विषय भविष्य में आएगा, किस रूप में आएगा, क्योंकि पानी लेने में हरियाणा पंजाब की लड़ाई है और पानी देने में दिल्ली हरियाणा की लड़ाई है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार लेने वाली है, एक तरफ देने वाली है, तो अब देखेंगे वो कैसा रोल करते हैं। हरियाणा को आपने बैंक की विचारधारा है, हरियाणा को ज्यादा सजग होने की जरूरत है। हरियाणा हमेशा ही सजग है, चाहे पंजाब में या पड़ोसी प्रदेशों में किसी की भी सरकार आए, हम हमेशा सजग रहते हैं। कभी भी किसी एक पार्टी के आने से हम सजग नहीं रहते और दूसरी पार्टी के आने से सजग होंगे। अपने अपने प्रदेश में हर किसी को सजग रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, हाँ, जहाँ पड़ोसी धर्म को निभाने का विषय होता है और कहीं पूरे अंचल के विकास की बात आती है, तो सब सरकारों से मिलकर पहले भी चलते रहे हैं। ऐसा यानी एक प्रकार से सहयोग का समर्थन पड़ोसी प्रदेशों का जैसे होना चाहिए वैसे सबका रहेगा, वो हम भी रखेंगे। और दिल्ली में उनकी सरकार रही है तो इस चीज़ में कहीं उन्होंने भी कोई हमारे से दूरी बनाई ऐसी नहीं है। प्रदूषण की लड़ाई के अंदर हम लोग इकट्ठे भी खड़े रहे हैं, तो ऐसे कुछ विषय हैं जिसके अंदर इकट्ठे रहना भी पड़ता, पड़ोसी धर्म निभाना पड़ता। लेकिन जहाँ कहीं कोई बहुत चिंताजनक पहलू आएगा, हम उसके लिए सतर्क हैं। उस तरह पंजाब और हरियाणा पर जो एलिगेशन लगते थे उनकी सरकार आ रही है, अब उनके लिए काफी चुनौती रहेगी आरोप लगाने। मैं कह रहा हूँ पानी भी है, प्रदूषण भी है और बहुत विषय आएंगे, क्योंकि एक तरफ दिल्ली में वो हमारे पड़ोसी हैं, दूसरी तरफ पंजाब में पड़ोसी रहेंगे, तो जो बहुत आसानी से एक दूसरे प्रदेश के ऊपर बातें फेंकने की आई थी, जरा सोच समझ के फेंकने के मामले में आपका दबाव माना गया और एक पंजाब के सदस्य जिसकी 27 मार्च को जिसको हटाया जाना था उसको 6 महीने की एक्सटेंशन दी गई है, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए अभी तो वो विषय आएगा, क्योंकि हमने ये विषय कहा है तो उसके ऊपर विचार केंद्र जरूर करेगा, क्योंकि केंद्र को हमने ये कहा कि जिस पर जिन प्रदेशों का इसमें स्टेक होता है, स्टेक होल्डर्स का पूरा इसमें ध्यान रखना चाहिए, उसमें चाहे हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है, जम्मू राजस्थान है, सबका ध्यान रखा ही जाएगा। भगवंत मान आपसे मिलने आते हैं तो आप बड़े भाई के आशीर्वाद देंगे, क्योंकि चन्नी जी ने भी बड़ा गेस्चर दिखाया था आपसे मिलने आए। देखिए मैंने बताया ना, कुछ बातें ऐसी होती है पड़ोस धर्म की होती हैं, पड़ोस धर्म सबको निभाना चाहिए, क्या होगा देखें। बात यह ना कि कभी कभी ये तो आरोप कोई भी किसी के ऊपर लगाया गया, कौन न्यूनतम स्तर पर चला गया, कौन ऊपर आ गया, कोई न्यूनतम जाता है, कभी ऊपर आता है, कभी ऊपर से नीचे भी जाता है। आखिर एक समय ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी देश में न्यूनतम स्तर पर आ गई थी 1984 में, आज एक समय ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च स्तर पर है देश में। तो ये राजनीति, लोकतंत्र देश में राजनीति जो होती है जनता जनार्दन होती है, जनता के हाथ में होती है, जैसा डिलीवर करेगी पार्टी वैसा जनता उसमें प्रसाद देगी। सर एक सवाल और है मेरा, अब से पहले ये देखा जाता था कि जो सीएम है मौजूदा और पूर्व सीएम है वो अच्छी स्थिति में रहते थे चुनाव के दौरान, लेकिन पंजाब में और उत्तराखंड में जिस तरीके के नतीजे रहे हैं, सीएम चुनाव हार गए, पूर्व सीएम चुनाव हार गए, किस तरीके से देखिए ये तो, क्योंकि चाहे सीएम हो चाहे सीएम नहीं हो, हर एक कैंडिडेट एक या दो सीटों पर लड़ते हैं। हाँ, दो सीटों पर लड़ने वाला भी दोनों सीटों पर पीछे रह जाए ये थोड़ा ज़्यादा चिंता की बात होती है, लेकिन एक ही सीट पर अगर कोई सीएम लड़ता है तो उसके लिए वो प्रदेश में पूरे में चुनाव नहीं लड़ रहा, किसी एक विधानसभा सीट में लड़ रहा है। तो एक विधानसभा सीट में कभी कभी ऐसा होता है वोटर का मूड होता है, कोई दूसरा कैंडिडेट उनके मुकाबले में कौन आता है, जातिगत समीकरण कैसे बनते हैं, किसी एक सीट के चुनाव को प्रदेश के चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। अब उत्तराखंड में मान लो धामी जी हार गए, लेकिन सरकार तो फिर भी बीजेपी की बन रही है ना, मेजोरिटी बीजेपी की आई है, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी वहाँ पिछड़ी ऐसा नहीं है। धामी जी अगर एक चुनाव से हारे हैं, और बहुत ऐसे कई बार बड़े बड़े दिग्गज वो हार जाते हैं, बड़े बड़े दिग्गज हार जाते हैं। दिग्गज की बात के मेरे सहयोगी ने बोला पंजाब में भी बड़े बड़े दिग्गज हैं, उनको हार का सामना करना पड़ा, अकाली दल के बड़े नेता प्रकाश सिंह बादल जी और सुखबीर बादल के अंदर। अब ये ठीक है कि कई बार एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा हो जाती है, और उसमें से एक दूसरा अर्थ भी है, दूसरा अर्थ भी है, कभी कभी एंटी इनकम्बेंसी काम करती है, कभी कभी प्रो इनकम्बेंसी काम करती है। जहाँ सरकार रिपीट होती है वहाँ प्रो इनकम्बेंसी काम करती है, लेकिन जहाँ सरकार के सारे दल यानी सरकार बनाने वाले मुख्य सारे दल हार जाएं, तो इसका मतलब कहना कि उनके प्रति लोगों का जिसको कहना चाहिए कि मोह भंग हुआ, यानी बड़े नेताओं के प्रति, बाकी पार्टियों के प्रति, और एक ही विषय चल पड़ता है कि नहीं एक बार नए को आजमा के देखते हैं। अब नए को आजमा के देखने के बाद आगे क्या होगा वो तो कभी कभी तो 2-4-6 महीने में पता लग जाता है। सर भगवान
मान को लेकर एक राजनीतिक चर्चा चल रही है कि जो आने वाले दिनों में जैसा आपने अभी कहा कि नए को लाकर देखते हैं कि क्या ये स्टेबल रहेंगे या इनकी जगह और देखिए अब इस पे बात करना अभी कमेंट बहुत पहले कमेंट करना ये भी ठीक नहीं है। और इसमें चूंकि इंटरनल मामला है आम आदमी पार्टी का, वो क्या करेंगे, उनका काम है, उनको उनको मेजोरिटी अच्छी मेजोरिटी मिली है। देखिए अभी तो हमारे आर एस समय से भी कम समय हुआ है, हमारे समय हमारे पास समय भी पर्याप्त है। और हम जैसे मैंने बताया कि जो इनकी चालें हैं उनको बखूबी समझते हैं और हमारे पास इनसे बड़ी काट इनके लिए है। और अगर कोई नमूना आपने देखा हो तो कल के परसों के बजट में भी हमने उसको जो प्रदर्शित किया है, अगर उससे आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से सामान्य गरीब समाज को खड़ा रखना है, उसको सहायता करनी है, समाज की सहायता का विषय है, समाज के वेलफेयर का विषय है, तो उसका वेलफेयर कैसे किया जा सकता है, जिसका प्रभावी ढंग होगा वो आगे आएगा। मैं इनकी विचारधारा को तो ज्यादा मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, अभी कोई विचारधारा है भी नहीं। एक ही विचारधारा अभी पनप के आई है कि मुफ्त बांटो, अभी कोई विचारधारा नहीं है। लेकिन जहां तक पंजाब में, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी कमोबेश में पंजाब में भी उनकी पॉकेट्स हैं, उन पॉकेट्स में इनको समर्थन मिला है। जैसे किसान आंदोलन में भी उनकी बैक पर कम्युनिस्ट लॉबीज का कहीं कहीं ज्यादातर जगह पर उनको समर्थन था, उस सारी लॉबी ने इनको समर्थन दिया है, ऐसी हमारे पास जानकारियां हैं। अब इसमें इनकी विचारधारा क्या पनपेगी ये तो धीरे धीरे पता लगेगा। ध्यान में कहीं पर भी हजार से ज्यादा वोट नहीं मिले, तो आप क्या मानते हैं कि पूरी तरह से लोगों ने नकार दिया ऐसे किसी नेता को? लखीमपुर में सर पूरा स्विच किया है, लखीमपुर खीरे के अंदर पूरा मामला सामने देखा था। देखिए मैंने बताया जो आंदोलन से कभी भी, और ये जो आंदोलन था एक वर्ग विशेष का या उसमें भी एक ग्रुप विशेष का आंदोलन था, सारे किसान का आंदोलन नहीं था, एक बात जन आंदोलन नहीं था। ये राजनीतिक उथल पुथल तब होते हैं जब जन आंदोलन कोई हो, ये तो एक जोरदस्ती का आंदोलन था कि हम रास्ते रोक देंगे, हम टोल बैरियर रोक देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये जोरदस्ती के आंदोलन का जनता पर असर नहीं बल्कि उसका उल्टा असर जाता है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ राकेश टिकैत को लेकर के सारे पूरे इस उत्तर भारत के अंदर पता नहीं क्या क्या बोले जाने लगा था, राकेश टिकैत की अपनी सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीते हैं। जैसे आपने कहा लखीमपुर में पूरा भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप किया है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां हम मानते थे कि हाँ वहां कोई प्रभाव जाएगा, कोई प्रभाव नहीं हुआ। राजनीतिक प्रभाव किसानों का ऐसा नहीं है, हाँ किसानों का एक ग्रुप था, उनको उस समस्या के बारे में अब गलत फीडिंग हो गई, एक लाइन से ट्रैक से उतर गए। और अल्टीमेटली मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को कि उस समस्या को कहीं आगे न बढ़े, तो ऐसा एक ग्रुप है, इसकी जिद के कारण से एक अच्छे स्टेप को भी वापस लेना पड़ा। और ये इस प्रकार की राजनीति में सक्सेसफुली रिट्रीट होना, ये सक्सेसफुल रिट्रीट कहूँगा मैं तो, सक्सेसफुल रिट्रीट भी एक पग होता है, कभी कभी ये ऐसे मौकों पर लेना पड़ता है। आज मैंने मुद्दा साहब को शुभकामनाएं दी, धन्यवाद।